तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम आज आप सभी लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो जो कि है अपने गांव की खेती बाड़ी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए थे अपना वार्ड घूमने के लिए और संध्या का टाइम भी है, तो अभी चलिए दिखाते हैं आप सभी लोगों को अपना बाद का व्यू। और फ्रेंड्स, छोटा सा ब्लॉग होने वाला है, प्यारा सा ब्लॉग होने वाला है, तो लास्ट तक आप लोग देख के जाइएगा ब्लॉग। तो चलिए अभी दिखाते हैं आप सभी लोगों को और घुमाते हैं अपना बाद। चलिए बनेगी आप लोगों के साथ और चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी देख ही सकते हैं कि सारी खेतों में जो है कि धान सब कट चुका है और एक दो खेतों में अभी बाकी है धान कटना, और इन सब खेतों में कट चुका है धान। तो अभी चलिए आगे और भी चीज़ें दिखाते हैं। और गेहूं का अभी फसल बोया जाएगा और बहुत से खेतों में गेहूं का फसल जो है कि बो दिया गया है और उसमें बीज भी आ चुका है, तो वो सब भी दिखाएंगे। तो चलिए अभी दिखाते हैं आप सभी लोगों को, बनेगी आप लोगों के साथ। और फ्रेंड्स, देख ही सकते हैं कि संध्या का टाइम है और सूर्य भी जो है कि अस्त होने वाला है और कुछ ही देरों के बाद जो है कि सूर्य भी अस्त हो जाएगा। तो अभी चलिए दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को और घुमाते हैं आप सभी लोगों को अपना गाँव का जो है कि खेत, और पूरा हम भी जो है कि एक्सप्लोर करेंगे आज और पूरा हम आज घूमेंगे। तो चलिए घूमते हैं और दिखाते हैं आप सभी लोगों को। तो चलिए बनेगी आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं बीच बाद में और बीच बाद का व्यू देख ही सकते हैं, और हम लोगों का जो है कि बीच बाद में जो है कि ये रोड दिया है जाने आने के लिए, और उस साइड में पच जाता है हम लोगों का नहर। तो अभी हम जाएंगे इस तरफ, तो चलिए अभी इधर का पूरा व्यू दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को, बनेगी आप लोगों के साथ। तो चलिए दिखाते हैं और भी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, इस साइड में देख ही सकते हैं कि सारे खेतों में जो है कि फसल कट चुका है धान का, और अभी गेहूं का जो है कि फसल बोया गया है। तो आगे चलिए और भी चीज़ें दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को। और आगे सब पे देख ही सकते हैं कि रहाई का जो है कि पूरा पौधा सब लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ ही देर के बाद सूर्य भी अस्त हो जाएगा, और सूर्य अस्त के टाइम पे देख ही सकते हैं कि अभी भी बाद में दो चार आदमी सब है बाद में, और इस साइड सब में भी दो चार आदमी सब है। तो शाम के टाइम का व्यू कुछ और भी अच्छा लगता है देखने के बाद का। और इस पे देख ही सकते हैं कि राहर का जो है कि अभी दाल भी आ चुका है और कुछ दिनों बाद ये पक भी जाएगा। तो यही तो हमको यहाँ पे दिखा, और यही राहर का जो है कि दाल है जिसको चिमी बोलते हैं हम, और यही है। तो ये कुछ दिनों बाद जो है कि पक जाएगा तो काला हो जाएगा, यानी कि काला टाइप पे हो जाएगा इस टाइप पे, तब हम समझ जाएंगे कि ये पक चुका है, तो अभी नहीं पका हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इसमें दाल का खेती किया गया है, और इधर कुछ कुछ हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मटर का पौधा है, और ये सब जो है कि मौसमी दाल का है। और आगे चलिए आगे और भी चीज़ दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को। और आगे वाले खेतों में जो है कि गेहूं का जो है कि फसल लगा हुआ है, तो चलिए अभी चलते हैं और दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को। और इस साइड देख ही सकते हैं कि ये आएगी पी जो है कि ये सब राहर का जो है कि है, और ये भी अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें अभी दाल आने में। तो अभी हम आ चुके हैं गेहूं के खेत पे, और इसमें भी देख ही सकते हैं कि गेहूं का जो है कि फसल आ चुका है जो कि अभी छोटा छोटा है, तो देख ही सकते हैं। और आगे चलिए और भी दिखाते हैं और खेतों में। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपने बाद का और भी चीज़ें दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को, और घुमाते हैं और पूरा फुल व्यू दिखाते हैं आप सभी लोगों को। और फ्रेंड्स, देख ही सकते हैं कि संध्या टाइम है, तो सूर्य भी अस्त होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी चलिए दिखाते हैं और घुमाते हैं हम आप सभी लोगों को। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग थोड़ा सा भी आप सभी लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को खेतीबाड़ी का ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो इसीलिए। तो चलिए अभी दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, इस खेत में देख ही सकते हैं कि इस खेत में चना का जो है कि खेती किया गया है, चना का दाल है,
और इनका पौधा देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है छोटा में देखने में, जो कि कितना प्यारा लगा है देखने में, देख ही सकते हैं। तो अभी चलिए और भी दिखाते हैं हम कि हमारे बाद में इस बार बहुत ही तरह तरह के जो है कि चीज़ें जो है कि बोया गया है। तो इस खेत में देख ही सकते हैं कि धान कटने के बाद सीधे इसमें बो कर दिया गया है। और ये है खेसारी का जो है कि पौधा, जो कि देख ही सकते हैं जो कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी चलिए और भी चीज़ें दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को। और इसी खेत में तो देख ही सकते हैं कि आधे खेत में जो है कि खेसारी का जो है कि फसल किया गया है और आधे खेत में इसमें मटर है। तो मटर का भी दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को। तो देख ही सकते हैं कि आधे खेत में जो है कि मटर का जो है कि किया गया है फसल। तो देख ही सकते हैं कि मटर का भी कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और सारे खेतों में जो है कि ऐसे ही आप सभी लोगों को अभी दिखेगा। और ये अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए आप सभी लोगों को ऊपर से नहीं दिख रहा होगा। तो अभी चलिए चलते हैं और भी चीज़ दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, इस खेत में भी दो तीन तरह का जो है कि इसमें बीज बोया गया है। तो देख ही सकते हैं कि एक आप सभी लोगों को ये दिख रहा होगा, ये है सरसों का पौधा। और ये जो आपको दिख रहा है ये मौसरी दाल का है, जो कि देख ही सकते हैं। और इसमें और भी चीज़ें डाला गया है, ये रहा खेसारी का है। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। तो अभी चलिए चलते हैं और भी चीज़ें दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम खड़े होते हैं तो यानी कि हमें बाद में अभी कुछ भी नहीं नज़र आएगा। और जब हम बैठेंगे तो हमको नज़र आएगा कि इस खेत में क्या चीज़ का फसल है। तो देख ही सकते हैं कि धीरे धीरे सूर्य भी जो है कि अस्त होने वाला है। तो अभी चलिए चलते हैं हम भी, और हम अभी जाएंगे अपने पुला पे, तो वहाँ का भी व्यू दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को जगह ब्लॉग। तो आप सभी लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो फ्रेंड्स लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने गाँव के दोस्त के पास। तो फ्रेंड्स, हमें इतनी ज़्यादा जो है कि दूरी में एक ही जो है कि धान का अभी फसल जो है कि लगा दिखा एक खेत में। तो देख ही सकते हैं कि अभी ये भी कट जाएगा। तो देख ही सकते हैं कि ये भी पक चुका है और ये भी कटने ही वाला है। तो अभी चलिए चलते हैं और दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को और भी चीज़ें। और इस सब खेतों में जो है कि गेहूँ का फसल किया गया है। और नीम का पेड़ देख ही सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, इस खेत में देख ही सकते हैं कि सारी जगहों से जो है कि लाग लाला के इसी खेत में जो है कि रखा गया है, क्योंकि इस खेत में अभी फसल नहीं बोया गया है इसीलिए। और इन सब खेतों में जो है कि फसल बो दिया गया है। तो देख ही सकते हैं कि लाग कितनी ज़्यादा मात्रा में इस खेत में रखा गया है। तो अभी हम भी पहुंचने ही वाले हैं अपने पुला के पास में। और बग का पेड़ देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। चलिए नज़दीक से दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, अभी सूर्य अस्त होने वाला है और अस्त टाइम पे देख ही सकते हैं कि पूरा लाल हो चुका है। तो हम भी फ्रेंड्स आ चुके हैं बरगद के पास में, क्योंकि देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए चलते हैं पुला पे और दिखाते हैं पुला पर से व्यू। सभी हम आ चुके हैं ऊपर अपने रोड पे, और रोड पर से देख ही सकते हैं कि बरगद का पेड़ कितना जो है कि भव्य दिख रहा है यहाँ से। तो अभी चलिए ले चलते हैं आप सभी लोगों को पुला पे। और आज पुल पे कोई भी नहीं है और पुल पूरा खाली खाली सा है। तो अभी चलिए चलते हैं और दिखाते हैं हम आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, अभी देख ही सकते हैं कि सूर्य भी अस्त होने वाला है और नीम का पौधा देख ही सकते हैं कितना जो है कि अच्छा लग रहा है देखने में। और नदी में भी अभी पानी बहुत ही कम है और देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि बांधा गया है इसलिए पानी कम है। तो देख ही सकते हैं कि पुल का व्यू, और आगे भी एक पुल है वहाँ पे।
पुल पर से व्यू देख ही सकते हैं। और इस साइड में हम लोगों का हो जाता है कलम, देख ही सकते हैं नदी का व्यू। और इस साइड में देख ही सकते हैं कि पुगा आप सभी लोगों को खाली खाली सा दिखेगा, पुगा चारों साइड। बस एक दो खेतों में जो है कि अभी धान का फसल है, तो देख ही सकते हैं कि देखते देखते ही सूर्य भी अस्त होने के कगार पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स अभी देख ही सकते हैं कि सूर्य भी जो है कि अस्त हो चुका है और हम भी अभी निकल गए अपने घर पे, क्योंकि शाम भी होने ही वाला है और कुछ ही देरों में यहाँ पे शाम हो जाएगा। तो अभी हम भी निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मेरा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम भी निकलते हैं अपने घर पे, तो फिर मिलते हैं आप सभी लोगों को एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।